आगरा के विकासखंड शमशाबाद में आलू और सरसों की फसल के चलते डीएपी खाद की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान हो चुके हैं। लंबी लंबी कतार और घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं इस समस्या के समाधान को लेकर बसपा नेता ने आवाज बुलंद की है। आलू और सरसों की फसल की बुवाई का समय चल रहा है, इसके लिए किसानों को डीएपी खाद और यूरिया की आवश्यकता होती है, लेकिन डीएपी की कालाबाजारी इस कदर हो रही है कि किसान परेशान है। आगरा के विकास खंड शमशाबाद क्षेत्र में भी डीएपी के लिए किसान सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगा अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन दुकान स्वामी धड़ल्ले से डीएपी की कालाबाजारी को अंजाम दे रही है, जिसके चलते घंटों इंतजार कर रहे किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं डीएपी की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। डीएपी की है साहब, डीएपी मिल नहीं रही, साढ़े 1200 कट्टा नहीं, 1211 कट्टा आ रहा है, वो हमें 1650 मिल रहा है। अब क्या करें, वो भी पूरा नहीं दे रहे हैं, उसमें गलत गलत सौदा दे रहे हैं, वो इनको भी डालो तब मिलेगी, और कट्टे पड़े हैं हर दुकान में, 1-1 लाख भरे हुए हैं। वही किसानों का कहना है कि 1211 रुपए में आने वाले डीएपी के कट्टे अब 1650 रुपए में मिल रहा है। दुकान स्वामियों की कालाबाजारी तो देखिए, इन कट्टों में पूरी मात्रा में डीएपी इन किसानों को नहीं दी जा रही है। यहाँ सवाल सरकार से है, जो किसानों के विकास, आय दुगनी, बेहतर जीवन की बात करती है, अब वह सरकार कहाँ है जब ये बेईमान दुकानदार किसानों के साथ कालाबाजारी का खेल खेल रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, डीएपी के लिए बहुत परेशान है, ब्लैक में डीएपी मिल रही है, और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, पूरा किसान परेशान है, और ये सरकार की नाकामी है। किसानों की, हम लोगों की यही मांग है कि किसानों को डीएपी दी जाए, जिससे वो अपनी फसल बुवाई करे सीजन है। अभी सरकार को देखना चाहिए, किसान क्यों परेशान है, उसको डीएपी उपलब्ध कराइए, कि ये सरकार की, सरकार चाहेगी जब तो किसानों को मिल पाएगी।